वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 16 मई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल प्लैनेट हेल्थ डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 12 मई को। अब साथियों, यह 12 मई को मनाया गया है तो इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया गया है और यह मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया। साथियों, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस 7 मई, विश्व रेडक्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्रणिया दिवस कब मनाया गया? तो 10 मई को मनाया गया है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई, यह मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साथियों मनाया जाता है। अर्थात वर्ष में यह दिवस दो बार मनाया जाता है, एक बार मई में और दूसरी बार अक्टूबर में। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो उत्तर प्रदेश में शुरू होगी भारत की पहली साथियों पॉड टैक्सी। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा साथियों, इसका एक रूट फिक्स किया गया है और या तो साथियों ऊपर में एक केबल के जरिए लटका हुआ है या फिर नीचे साथियों इसका एक रूट फिक्स किया गया है। तो यही साथियों पॉड टैक्सी, जो कहां शुरू होगी? तो उत्तर प्रदेश में शुरू होगी पॉड टैक्सी। अब उत्तर प्रदेश में शुरू होगी तो इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। और साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस रिवर के किनारे है? तो गोमती रिवर के किनारे है। यहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहां के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, यहां पे राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, पीलभीत राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। राम गंगा परियोजना राम गंगा नदी पर है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है और किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहां पर है? तो कानपुर में है और कानपुर गंगा रिवर के किनारे है, अयोध्या सरयू रिवर के किनारे है, वाराणसी गंगा रिवर के किनारे है। साथियों, तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भी साथियों लखनऊ में है। और किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत यूपी ने की है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों की है। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा है साथियों। और डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। अब अगला प्रश्न आपका है, सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए निर्देशक बने हैं प्रवीण सूद साथियों। अब सीबीआई, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, यही है प्रवीण सूद साथियों। प्रवीण सूद कौन है? तो प्रवीण सूद जो सीबीआई के नए निर्देशक बने हैं। सीबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1963 में हुई। और साथियों, जो प्रवीण सूद थे इससे पहले किस पोस्ट पे थी? तो कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी थे पहले साथियों ये, और अब क्या बन गए हैं? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निर्देशक बन गए हैं साथियों। अब साथियों, प्रमुख चेयरमैन हैं जैसे टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहनावत बनी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लाहौटी है। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी है। अशोक लीलैंड के एमडी एंड सीईओ कौन है? सीनू अग्रवाल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो विनेश सीसा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राम मूर्ति हैं। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं एलआईसी के नए चेयरमैन साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा 2023 में
कांग्रेस ने बहुमत के साथ कितने सीटें जीती हैं साथियों? तो कांग्रेस ने बहुमत के साथ 135 सीटें जीती है। ये साथियों देखो चार्ट आप, कांग्रेस ने 135 सीटें जीती, बीजेपी ने 66 सीटें जीती, जेडी ने साथियों 19 सीटें जीती और अदर ने साथियों 4 सीटें जीती। अर्थात सर्वाधिक सीटें किसने जीती? एक तो साथियों कांग्रेस पार्टी ने जीती साथियों। अब देखो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा सीट साथियों कितना? कुल तो 224 है और इस 224 सीटों में कांग्रेस ने कितना जीता? तो 135 जीता। और भारतीय जनता पार्टी ने कितना जीता? तो 66 जीता। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्बई साथियों। अभी हम बदल जाएंगे क्योंकि बसवराज बोम्बई जो है वो बीजेपी के हैं। यहाँ पे राज्यसभा कितना है? 12 और लोकसभा कितना है? 28। पुष्पगिरी वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है, पुष्पगिरी वन्य जीव अभयारण्य, ब्रह्मागिरी वन्य जीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। मट्टूर भारत का एकलौता गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक बना। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है और कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। फसल बीमा योजना के पुरस्कार किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा साथियों? तो इस ट्रांसपोर्ट विमान का नाम साथियों है C-295 साथियों, जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा साथियों। और इस विमान को बनाने की जिम्मेदारी जो ली है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ली है और एयरबस ने ली है साथियों। तो दो कंपनियों ने इसके साथियों बनाने की जिम्मेवारी ली है। अब एयरफोर्स में साथियों शामिल हुआ है, तो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। साथियों जो विमान है आपका C-95 साथियों, ये साथियों छोटे जगह पे भी साथियों ये उतर सकता है साथियों। तो देखो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे है। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं लिंडा याकारिनो। कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो, ये इमेज में आपको दिख रही है, यही है लिंडा याकारिनो जो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथियों। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो 21 मार्च 2006 को हुई थी। और ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के भूपतला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भूपतला प्रणीत जो साथियों हैं ये तेलंगाना के साथियों हैं और यह 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं साथियों। किस राज्य के ये हैं? तेलंगाना के हैं विपुला प्रणीत साथियों, जो अभी कैमे नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और आपको बताना है कि हैदराबाद किस रिवर के किनारे है। तेलंगाना के गवर्नर है तमिल साई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। कवाल वन्य जीव अभयारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तेलंगाना में है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो कुली कुतुब शाह है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा किसे बोला गया है? तो हैदराबाद को बोला गया साथियों है। और कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर बन रहा है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बन रहा है। साथियों गोदावरी रिवर ये कहां से निकलती है और कहां गिरती है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है 15 मई को साथियों। कब मनाया गया है? तो 15 मई को। अब महत्वपूर्ण डे को देखते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई,
विश्व अस्थमा दिवस 2 मई और मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया तो 5 मई को मनाया गया, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया तो 7 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया जाता है। और साथियों यह मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। साथियों कौन सा दिवस, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। साथियों जो गुची है ये इटली की कंपनी है, इसकी पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो आलिया भट्ट बनी है। साथियों कौन बनी है, आलिया भट्ट। अब महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है वो भी देखते हैं, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के कौन बने हैं, पंकज त्रिपाठी बने हैं, रियलमी के कौन बने हैं तो केएल राहुल बने हैं, गुड डॉट के कौन बने हैं तो नीरज चोपड़ा बने हैं, गेम 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो ऋतिक रोशन है, गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो शाहरुख खान है, डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो अमिताभ बच्चन है। साथियों फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कियारा आडवाणी है, स्विट्जरलैंड के टूरिज्म फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो नीरज चोपड़ा है, निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, डॉक्टर दीपा मलिक है, जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा, और बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं तो आयुष्मान खुराना बने हैं। साथियों कौन बने हैं तो आयुष्मान खुराना। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन हुआ है। साथियों तो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है ये आपका समुद्र शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। साथियों किसके बीच हुआ है तो भारत और इंडोनेशिया के बीच, और इस कार्यक्रम में INS कावारति, डोरनियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भाग ले रहे हैं भारत की तरफ से। साथियों अब देखो इंडोनेशिया में होगा तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो। इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति कौन है, मारूफ अमीन। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है तो इंडोनेशियाई रुपया जो है वो यहाँ की मुद्रा है। अब साथियों बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है, सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, दस्तलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच, वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच साथियों होता है, हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच, ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच, टाइगर ट्रंप अभियान भारत और अमेरिका के बीच, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है साथियों, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच, अल नगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। साथियों ओमान की राजधानी क्या है तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बोगो सागर सैन्य अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों कल जो मैंने 5 प्रश्न किया था उस 5 प्रश्न के सही जवाब साथियों देने वाले जो कैंडिडेट है उनका नाम है पूजा कुमारी साथियों, और साथियों इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है तो साथियों इन्हें 20 रुपीज का साथियों इनाम दिया जाएगा, बस इन्हें मैसेज करना पड़ेगा मुझे इस नंबर पे। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो साथियों मैंने कल आपसे 5 प्रश्न किया था वो 5 प्रश्न था, गरुड़ अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है तो भारत और फ्रांस के बीच होता है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, प्रयुत चान ओ चा है, राष्ट्रीय इस्पात निगम की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को, स्पेस एक्स किस वर्ष तक पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, 2025 तक, बहुविवाह वैधता की जांच के लिए असम ने जो पैनल की स्थापना की है, किसने तो असम ने जो पैनल की स्थापना की है उसके अध्यक्ष कौन है तो रूमी फुकन है, कौन है रूमी फुकन। और यही साथियों 5 प्रश्न थे, जिसके विजेता कौन है तो पूजा है साथियों, और आज के आपके प्रश्न है 5, जिसके जवाब साथियों जो बच्चे पहले कमेंट बॉक्स में देंगे उन्हें 20 रुपीज की राशि साथियों गूगल पे फोन पे या पेटीएम पे ट्रांसफर किया जाएगा, बस कंडीशन ये है कि उन्हें साथियों मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अब साथियों जो 5 प्रश्न आज का है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, पहला प्रश्न आपका है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी। CBI के नए निर्देशक प्रवीण सूद इससे पहले किस राज्य के पुलिस महानिदेशक थे।
तीसरा प्रश्न आपका है कर्नाटक विधानसभा सीट की संख्या कितनी है। चौथा है संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है। और पांचवा है भारत के 82 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इस 500 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों साथियों मैं वीडियो जो अपलोड करता हूँ वो साथियों मॉर्निंग 4 o'clock में करता हूँ। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण ग्रैंड अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।